बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित, दिया नया मंत्र, कहा छोटा किसान बने देश की शान। छोटे किसानों को और मजबूत करने पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा ब्लॉक स्तर तक वेयर हाउस की सुविधा उपलब्ध कराने का चलाया जाएगा अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें छोटे किसानों पर नहीं किया गया ध्यान, अब छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कृषि सुधार। कहा किसानों की कम होती जमीन एक चुनौती। नाबार्ड सस्ते दर पर किसानों को दे रहा है ऋण, कृषि और ग्रामीण विकास है नाबार्ड की प्राथमिकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बाढ़ से लगभग राज्य के 26 जिले प्रभावित, कहा जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उनकी बिहार सरकार करेगी मदद। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश और दुनिया में लोकतंत्र के समर्थकों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर तक वेयरहाउस की सुविधा उपलब्ध कराने का भी अभियान चलाया जाएगा। देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले की व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक और चुनौती पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है किसानों की कम होती जमीन। हमें कृषि सेक्टर की एक बड़ी चुनौती की भी और ध्यान देना है। ये चुनौती है गांव के लोगों के पास कम होती जमीन। बढ़ती हुई आबादी के साथ परिवार में जो बंटवारे हो रहे हैं उसकी वजह से किसानों की जमीन छोटी 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 से छोटी होती जा रही है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है, 2 हेक्टर से भी कम। पहले जो देश में नीतियां थी, और हम देखें
100 में से 80 किसान उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन, यानी देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था वो रह गया। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के 2 वर्षों के अंदर ही 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना पर खुशी जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभ से कोई वंचित ना रहे। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के सिर्फ 2 वर्ष में 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद यही हमारी पूंजी है। इस 100% का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सरकारी योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहता। जब सरकार ये लक्ष्य बनाकर चलती है कि हमें समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचना है, तो न कोई भेदभाव हो पाता है और न ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है। प्रधानमंत्री ने देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे लोगों के साथ खड़ी हैं। आज भी देश के कुछ इलाकों में बाढ़ है, भूस्खलन के हुए हैं, कुछ पीड़ादायक खबरें भी आती रहती हैं। कई क्षेत्रों में लोगों को जिस मुश्किल बना दी है, ऐसे समय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सब उनके साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आप को भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं। लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक हर योजना के तहत मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए ये तय किया गया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर
मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल 45 कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की और उन्होंने कहा कि भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति, उसको आत्मनिर्भर बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देश भर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास को और गति देने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाना होगा। आज जब हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिल रही है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भारत में जो बनाएं उसे हमें बेस्ट क्वालिटी के साथ ग्लोबल कंपटीशन में टिके और हो सके देखकर हम आगे बढ़े, ये तैयारी करनी है। और ग्लोबल मार्केट को हमने टारगेट करना है। देश के सभी मैन्युफैक्चरर्स को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को इस बात को कभी नहीं भूलना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बाहर बेचते हैं वो सिर्फ आपकी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, उसके साथ भारत की पहचान जुड़ी होती है, भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, भारत के कोटि कोटि लोगों का विश्वास जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में ले आया जाता रहेगा
उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है, ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिलाने के अलावा अन्य तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। देश में कृषि व ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित करने के मुद्दे पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी आर चिंताला से। केंद्र सरकार के एजेंडे में देश के गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता में है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त मजबूत बनाने के साथ साथ ग्रामीण विकास में नए संस्थागत आयाम स्थापित करने का काम कर रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी आर चिंताला। नाबार्ड कृषि विकास के संदर्भ में अगर देखें योगदान तो बहुत बड़ा योगदान है, किस तरह आप रेखांकित करते हैं नाबार्ड का किसानों के कल्याण और विकास में योगदान? नाबार्ड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है और हम हर साल रिफाइनेंस और स्टेट गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और ये प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को प्रोक्योरमेंट फंडिंग और बहुत सा कुछ चीज़ करता रहता है और उनके साथ साथ हम बहुत सा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत सा स्पेंड करता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, फार्मर्स प्रोड्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हो, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो, ये सब और वाटरशेड ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ये सब चीज़ों में हम विशेष रूप से काम करता है। CWC और नाबार्ड के बीच जो MOU हुआ इसका किसानों के संदर्भ में क्या मायने हैं? CWC और नाबार्ड का MOU एक मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल MOU है, क्योंकि CWC का पूरा देश में 2500 से ज़्यादा लोकेशंस में उनका स्ट्रक्चर्स है, वही नाबार्ड का है तो हमारा DDMs हर डिस्ट्रिक्ट में है और हम हर स्टेट में काम करता है और उनका वजह से ये हमारा FPOs को अगर हम ये CWC का गोदाम स्पेस से लिंक किया, बिकॉज ये लोग कंसेशन का रेट्स में भी रेंट पे देने वाला भी है। CWC ने बहुत सा अदर चीज़ों में भी काम कर रहे हैं, लाइक लॉजिस्टिक्स भी दे सकते हैं, मैं भी दूसरा कुछ काम भी कर सकते हैं, तो ये सब में मुझे लगता है फार्मर्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में। इसमें वेस्टेज रोकने का मामला हो और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें किसानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल हो, तो वो कौन कौन से मामले हैं? इनमें वेस्टेज, क्योंकि अगर अच्छा तरह स्टोरेज स्ट्रक्चर मिल गया, साइंटिफिक स्टोरेज, वो फार्मर का वेस्टेज है तो बहुत कम होता है और अगर वही गोडाउन में अगर ये लोग अगर एक उसका प्रोसेसिंग इक्विपमेंट डाल दिया था और उनका वैल्यूएशन बढ़ने के साथ साथ वो एक जो उनका एक छिलका गिलका निकलता है उसको उससे कैटल फीड भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा तो वेस्टेज जीरो वेस्टेज तक भी फार्मर्स जा सकते हैं। जो NAB फाउंडेशन है उसका किस तरह कार्य एक्शन है, किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है? NAB फाउंडेशन नाबार्ड का एक सब्सिडरी है और ये हमारा एक आई कैन से दैट हमारा CSR का फेस टाइप ऑफ थिंग। NAB फाउंडेशन ये पूरा FPOs या मे बी फार्मर्स जो है वो सबके पास कम्युनिकेट करना, उनको एक इधर से CWC के पास लेके जाना, उनके बाद उनके साथ संयोग करके उनसे एक फैसिलिटीज भी निकाल के उसको दिलाना, ये सब में ये NAB फाउंडेशन काम करता है। सस्ते दर पर ऋण दिलाना, KCC है और बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जो किसानों को भविष्य में फ़ायदा मिलेगा, उस पर किस तरह नाबार्ड की कार्य योजना में देख सकते हैं कि उनको सस्ता ऋण मिले, वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने? या सस्ता ऋण में देना हमारा फर्ज भी है और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आप देख लीजिए था क्रॉप लोन्स का है तो हम 1,30,000 तक हमने सस्ता में क्रॉप लोन्स को दिया था और दूसरा भी लॉन्ग टर्म लोन्स में भी कुछ 15,000 करोड़ दिया था और गवर्नमेंट्स का RADF में भी सस्ता में लोन्स देता है, तो ये एक हमारा निरंतर प्रक्रिया है, हम करता ही रहता है। तो ये थे नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला, जिनका मानना है कि देश के किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए न केवल वो वित्तीय संसाधन मुहैया करवाने का काम कर रहे हैं बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सस्ते दर पर ऋण दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं ओपी यादव, DD News दिल्ली।
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ से लगभग 26 जिले प्रभावित हैं, हर चीज पर नजर रखी जाएगी, लोगों को सुविधा दी जाएगी, मदद की जा रही है और हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावितों की मदद और जिनकी फसल बर्बाद हो गई है तो उनको मदद के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। करीब करीब 26 जिलों में बाढ़ का असर, चाहे उसकी संख्या जितनी हो लेकिन करीब करीब 26 जिले प्रभावित हो, तो इस तरह से कई तरह की एक एक चीज पर देखा जा रहा है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है, लोगों को सुविधा दी जाएगी और जैसा भी संभव है सब लोगों को मदद करना वो किया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं। और अभी तो आगे का भी एक रास्ता ही है, पर सब दिन हुआ है तो आगे भी इस तरह की स्थिति होगी, इसके लिए सब लोगों में अलर्ट दे सकते हैं। देखिए अगर बाढ़ कहीं आता है तो चिंता तो होता ही ना, इसके लिए इंतजाम करना पड़ता है, सब तरह से किया जा रहा है। पर आप जानते हैं पटना वगैरह में तो एक एक चीज को देख करके उसके लिए मीटिंग करके गाइडलाइन और डेली एक एक चीज की रिपोर्ट ली जाती है, तो सब किया जा रहा है हर तरह। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के सब कलेक्टर जी सूर्या परवीन चंद ने खाद की दुकानों पर किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी पकड़ने के लिए किसान का भेष बदलकर वो गए और काई कलारू और मुदीने पेली मंडल के खाद की दुकानों पर वो पहुंचे। इस दौरान सब कलेक्टर जी सूर्या ने पाया कि कई दुकानदार डीएपी और यूरिया एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेच रहे थे, यहां तक कि दुकानदार खाद का कोई बिल भी नहीं दे रहे थे और तो और दुकानदारों ने खाद के गोदाम भर रखे थे, यानी कि उन्होंने जमाखोरी भी की हुई थी। इलाके के एक दुकानदार ने किसानों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सब कलेक्टर ने खुद जांच करने के लिए ये कदम उठाया। जी सूर्या ने जिन दो दुकानदारों की हेराफेरी पकड़ी उन दोनों दुकानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जो यूरिया को 266.50 की जगह पर 280 रुपए पर बेच रहे थे, इतना ही नहीं वो ग्राहकों की आधार डिटेल भी नहीं ले रहे थे। मैं गया था एक नॉर्मल किसान बन के गया था एक मोटरसाइकिल में और जो फर्टिलाइजर्स भी लिया था, उसके बाद इन दोनों शॉप को हम सीज भी किया था। मैंने उनको वहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है उनको बुलाया था और उनको सीज किया था। उसके बाद मैं एक रिमोट विलेज भी गया था और रिमोट विलेज में हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि वो यूरिया बहुत अधिक दर में बेच रहा था, सो वो 300 के ऊपर बेच रहा था यूरिया। लेकिन जब मैं गया था जस्ट उसे पाँच मिनट पहले ही वो पूरा बंद करके वो फरार हो गया था। तो इस पूरा ऑपरेशन में हमको क्या पता चला कि जब हम ग्राउंड लेवल में जाते हैं, नॉर्मल आदमी बन के जाते हैं या नॉर्मल किसान बन के जाते हैं तो हमको अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी आता है और जो स्कीम्स है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हमारा गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो किसान के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका क्या क्या लूपहोल्स है, वो भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जमीनी स्तर पर यहां पर उन्होंने कार्रवाई की। और जम्मू और कश्मीर में हाल ही में किसान हित में लागू की गई योजनाओं का किसान भरपूर लाभ ले रहे हैं। किसान परंपरागत किस्मों के अलावा कई नई किस्में भी विकसित कर रहे हैं जो कि स्वाद और इनकम दोनों के लिहाज से फायदे का सौदा साबित हो रही है। इससे किसान न केवल पहले से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। सेब उत्पादक किसान शाहनवाज से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। कश्मीर में जब हम आर्थिक आधारों की बात करते हैं तो उसमें सेब की खेती भी एक अहम स्थान रखती है और इसी आधार को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं। सेबों की खेती अब विभिन्न तरीके से की जा रही है और जो किसान इसमें आगे निकलते हैं उन्हें चैंपियन किसान बनाया जा रहा है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। हमारे साथ एक ऐसे ही किसान इस वक्त मौजूद हैं जो सेब की खेती करते हैं, शाहनवाज खान इनका नाम है, इनसे जानते हैं किस तरह से इन्हें अवार्ड मिला एलजी से। हमारी जो विंग है सुकास्ट की केवीके, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था चैंपियन फार्मर एप्पल के लिए शोपियान डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर गवर्नर के थ्रू मुझे अवार्ड मिला। अब मैंने जो काम किया उसको सराहा गया उधर, जो मैंने नॉर्मली टॉप वर्क पे काम किया हुआ है उस पर मुझे सराहा गया। बाकी स्कीम्स में भी वहाँ पर बताया गया, एक उड़ान स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, अगर वो सही माने में इम्प्लीमेंट होती है तो वो रेवोल्यूशन लाएगी हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। किस तरह का काम आपने किया, किस काम के लिए आपको अवार्ड मिला? मेरे दादाजी ने ऑर्चर्ड्स बनाए थे, मैंने उन्हीं को टॉप पर करके नई वैरायटीज डाल दी, तो ये मैंने देखा हुआ था सैंपल, तो इसमें मुझे बड़ा अप्रिसिएशन भी मिला लोगों की तरफ से और मैंने लोगों में भी ये ज्ञान बांटा
तो उससे मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन है और पैसा भी मुझे मिला और फाइनेंशियली में भी इसमें मदद हुई मेरी। उड़ान स्कीम की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का रेवोल्यूशन, किस तरह की क्रांति ये स्कीम लाएगी? जो हमारी जो फेयर्स है ना वो बहुत कम हो जाएंगे, जो हमारा ट्रांसपोर्ट से जाता था उससे भी बाय एयर कम हो जाएगा, तो उसमें हमारा माल एक तो फ्रेश पहुंच जाएगा। हमारे चेरी बड़ा इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उसका जो कीपिंग क्वालिटी है बिल्कुल कम है, तो वो एक दिन में पहुंच जाता है जहां स्टेशन में पहुंचना हो। जिस तरह से आपको ये चैंपियन किसान चुना गया, इस तरह से किसानों को आगे लाया जाता है, उन्हें इनाम दिया जाता है, उन्हें एक तरह से उन्हें फेम भी मिलता है और उनसे लोग पूछते भी हैं, तो किस तरह का एक अप्रिसिएशन आपको मिला इससे और औरों को भी कितना मिलेगा? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप अगर कोई काम करते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलती है। पिछली बार मुझे डायरेक्टर साहब ने अप्रिसिएशन दी थी, तो इस बार अब गवर्नर साहब ने मुझे अप्रिसिएशन दी, तो इससे तो एक जहाँ जब हम ये काम शुरू करते हैं हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हमारे हौसले और बढ़ते हैं, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है। हमारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है एक, उससे इस ट्रेडिशनल जो फ्रूट है उसमें बड़ा हेल्प मिला, मगर जो हमारा ये क्वालिटी एप्पल है, क्योंकि ये आप देखेंगे ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का फ्रूट है, तो इसमें हमें उतना फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि इसका अभी शायद उनको पता नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या आप? इसके लिए रेट्स अलग रिवाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें पिछले साल 150 रुपये केजी भेजा है, वहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन में 70 रुपीज़ है, तो उसकी तरफ अगर ध्यान दें, क्योंकि अभी ये थोड़ा ही है, ज़्यादा तो ट्रेडिशनल ही है, जहाँ ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले वही चीज़ सही है। तो किसान जिनका कहना है कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है या और भी स्कीम्स यहाँ पर सरकार की हैं, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ और एरियाज ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो सेब की खेती में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। कैमरामैन संदीप। और बिल्कुल, तो यहाँ पर लागत भी कम लग रही है, मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है, यही है हमारे प्रगतिशील किसान जो सभी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। किसान समाचारों में फिलहाल इतना ही, और एक बार फिर आप सभी को आज़ादी के 75वें दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।